अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में शनि के जातक जो लोग होते हैं, जो लोग कर्क राशि में जिनका शनि होता है, उनका दिल बहुत कमजोर होता है, वो बहुत भावुक होते हैं। अक्सर लोग इनसे काम निकाल लेते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। जैसे होगा कि उसको बुला ले यार, वो तो कर ही देगा, तो ये मना ही नहीं कर पाते और अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करते हैं। इनके जीवन में सुख और दुख एक बैलेंस में चलते हैं। 15 दिन ये ठीक रहते हैं, 15 दिन ये खराब रहते हैं, तो ये असामंजस्य इनका बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये और ये जिंदगी भर अपने आप से शिकायत रहते हैं, मेरे को तो इतना सुख मिला नहीं, मैंने बड़ा अच्छा किया लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो उनका दाम्पत्य जीवन के अंदर इनकी ये परेशानी रहती है कि 15 दिन तो ये बड़े अच्छे रहते हैं और 15 दिन लड़ाई करते हैं, तो ये सामंजस्य अच्छा नहीं। इनको एक नॉर्मल सा उपाय है, छोटे छोटे से उपाय होते हैं लेकिन ये बहुत लाभकारी उपाय है। ऐसे लोगों को पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, इनको शनिवार वाले दिन पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और जो लाल रंग का सूत्र ये कलावा होता है उससे उसकी 11 परिक्रमा करें और पीपल को बंधन बांधें, उसके बाद पीपल में जल चढ़ाएं और जल दूध मिलाकर चढ़ाएं, तो इससे बहुत लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अगर आप रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसी कोई समस्या सामने आ रही है, तो इसका मतलब आपका समय जो है कुछ खास नहीं चल रहा है और शनि देव आपसे कुछ खास प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, उसको जल चढ़ाएं, लेकिन जल देते समय उसमें दूध का मिक्सचर जरूर कर लें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।